हम लोग पहले नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद डेफिनेशन और टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग बात करेंगे केस ऑफ नाउन की। केस ऑफ नाउन, नाउन के कितने केस होते हैं और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब की बात अपने आज इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन की बात की जाए कि नाउन के केस कितने हैं, तो दोस्तों नाउन के केस हैं चार। कौन कौन से? नंबर वन, नंबर वन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। नंबर टू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नंबर थ्री पजेसिव केस, पजेसिव केस। नंबर फोर डेटिव केस, नंबर फोर डेटिव केस। तो नंबर टू ऑब्जेक्टिव केस, नंबर थ्री पजेसिव केस और नंबर फोर डेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ये एक तरीके से सब्जेक्टिव केस भी कहलाता है। इसको नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जैसे आई नॉमिनेटिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है और माई और माइन ये दोनों पजेसिव केस कहलाते हैं। और अगर वी की बात करें तो वी नॉमिनेटिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है और आर्स ये दोनों पजेसिव केस हैं। इसी तरह ही नॉमिनेटिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हिज पजेसिव केस है, शी नॉमिनेटिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है और हर एंड हर्स दोनों पजेसिव केस हैं। यू नॉमिनेटिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और योर एंड योर्स ये दोनों पजेसिव केस होते हैं। इसी तरह दे नॉमिनेटिव केस होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है और देयर और देयर्स ये दोनों जो है पजेसिव केस होते हैं। डेटिव केस की बात करें तो डेटिव केस संबोधन होता है, किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना डेटिव केस कहलाता है। जैसे अपने बोलते हैं यू रोहित आर नॉट ए गुड बॉय, नॉट ए गुड बॉय। तो यहां पर यू रोहित को संबोधित कर रहा है इसलिए इसको हम डेटिव केस कहेंगे। और ये जो वर्ब है आर ये किसकी वजह से लगी? यू किस वजह से? तो हम बोलेंगे यू आर नॉट ए गुड बॉय रोहित, या रोहित यू आर नॉट ए गुड बॉय। तो ये आर जो वर्ब है ये यू की वजह से लगी, इसलिए किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए ये जो केस होता है ये डेटिव केस है। जब जबकि ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है। अब हमारा फर्स्ट रूल यहां पर ये बनता है, रूल की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर हमारा फर्स्ट ये बनता है कि अगर हमें नॉमिनेटिव का कंपैरिजन करना है, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से ही होगा। ऐसा नहीं कि नॉमिनेटिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से हो, नॉमिनेटिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन करना है तो ऑब्जेक्टिव से ही होगा, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से होगा और पजेसिव का कंपैरिजन पजेसिव से होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है इसका।
पजेसिव का कंपैरिजन पजेसिव से। अब नॉमिनेटिव केस जैसे कि ये है पजेसिव के, इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है मी, और इसका नॉमिनेटिव के पजेसिव केस होता है माई और माइन। अगर आपको आई का कंपैरिजन करना है तो मी से नहीं हो सकता क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, और माई से भी नहीं हो सकता, माइन से भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पजेसिव केस है। अगर आई का कंपैरिजन करना है तो वी से हो सकता है क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव केस है, वी भी नॉमिनेटिव केस है। आई का कंपैरिजन करना है तो ही के साथ हो सकता है क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव केस है, और शी के साथ भी हो सकता है क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव केस है, और यू के साथ भी हो सकता है, दे के साथ भी हो सकता है। यानी कि नॉमिनेटिव का कंपैरिजन करना है तो वो नॉमिनेटिव से ही होगा, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन करना है तो ऑब्जेक्टिव से होगा, पजेसिव का कंपैरिजन करना है तो वो पजेसिव से होगा। इन सारी चीजों को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अपने ऐसे लिखा आई एम बेटर देन, आई एम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन हिम। मान लो ये कोई एरर का क्वेश्चन है, आई एम बेटर देन हिम, ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी पार्ट, और ये इसका डी पार्ट। अब आई का कंपैरिजन किससे कर रहा है, ये हिम से। जबकि अपने ये समझते हैं कि आई जो होता है ये नॉमिनेटिव केस है, जैसे कि ये देख लो, और हिम कौन सा केस है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये रहा हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन तो नॉमिनेटिव से ही हो सकता है, नॉमिनेटिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव केस हिम का जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या है, ही है। तो यहां पर आई नॉमिनेटिव केस है तो इसका कंपैरिजन नॉमिनेटिव से होना चाहिए, तो नॉमिनेटिव क्या होगा, ही। तो यहां पर बनेगा आई एम बेटर देन ही, यहां पर हिम का प्रयोग नहीं होगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर बनेगा सी, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन में जिस पार्ट में एरर होती है वही हमारा आंसर होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि माई टीचर लाइक्स यू मोर देन मी, और नो एरर। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये इसका ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, और ये नो एरर। अब देखिए यहां पर कंपैरिजन किसका किससे है, माई टीचर तो यहां पर है सब्जेक्ट, ठीक है, वो लाइक्स है यहां पर वर्ब, और यू है यहां पर ऑब्जेक्ट। अब इस यू का मी से कंपैरिजन है, मतलब यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। यू हालांकि देखो दो हैं, नॉमिनेटिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन ये वर्ब जो है वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ये वर्ब से पहले होता तो ये नॉमिनेटिव केस होता। फिलहाल यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। और देखिए मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, ये रहा मी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब तीसरा रूल क्या कह रहा था, पजेसिव का कंपैरिजन पजेसिव से होना चाहिए। तो तीसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे माई कार इज बेटर देन योर, माई कार इज बेटर देन यू, ये लिख लो आप, नो एरर। ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी, और ये इसका डी। माई कार इज बेटर देन यू, तो देखिए माई कौन सा केस है, माई पजेसिव केस है, ये रहा पजेसिव केस, माई पजेसिव केस है, तो इसका कंपैरिजन पजेसिव से होना चाहिए। जबकि यू तो क्या है, यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहां पर क्या होना चाहिए, या तो लिखा जाए योर कार, या फिर या ऐसे लिखा जाए योर्स, क्योंकि ये दोनों पजेसिव केस हैं। योर लिखोगे तो योर जो है एडजेक्टिव होता है, पजेसिव में एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद नाउन आ गई कार, और या फिर योर्स लिख लो, ये प्रोनाउन का है, प्रोनाउन है।
ठीक है। तो नॉमिनेटिव का कंपैरिजन हमेशा नॉमिनेटिव से होगा, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से होगा, पजेसिव का कंपैरिजन पजेसिव से होगा। किसी का भी कंपैरिजन, नॉमिनेटिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन नॉमिनेटिव से नहीं हो सकता, नॉमिनेटिव का कंपैरिजन पजेसिव से नहीं हो सकता, पजेसिव का नॉमिनेटिव से नहीं हो सकता। ये हमारा फर्स्ट रूल है। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है अब पजेसिव केस। तो पजेसिव केस के और क्या रूल होते हैं वो समझते हैं। देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे पजेसिव केस की और विस्तार से, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पजेसिव केस ही है। पजेसिव केस, पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, इनको भी पजेसिव केस माना जाता है। और इन दोनों का काम होता है रिलेशन बताना, इनका काम होता है रिलेशन बताना, यानी कि इनका काम होता है संबंध बताना। पजेसिव केस, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो हम उसका रिलेशन एपोस्ट्रोफी एस से बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जॉन का घर, तो हम ऐसे बोलेंगे जॉन्स हाउस, जॉन्स हाउस, जॉन का घर। और अगर कोई नाउन प्लूरल है, चलो देखो एक बार यहां पर ऑफ से भी रिलेशन बता सकते हैं, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं द हाउस ऑफ जॉन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन्स हाउस भी लिख सकते हैं, द हाउस ऑफ जॉन भी लिख सकते हैं, दोनों ही जॉन का हाउस से रिलेशन या हाउस का जॉन से रिलेशन बताते हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, तो अगर नाउन प्लूरल हो तो क्या करना पड़ता है, नाउन प्लूरल दो तरीके से होती है। एक ऐसी प्लूरल नाउन होती है जिसके लास्ट में एस होता है, एक तो ऐसी प्लूरल नाउन होती है जिसके लास्ट में एस होता है, और एक ऐसी प्लूरल नाउन होती है जिसके लास्ट में एस नहीं होता, नहीं होता। अगर जिस नाउन के लास्ट में एस होता है तो रिलेशन बताने के लिए हमें खाली एपोस्ट्रोफी लिखनी है, एस नहीं लिखना, ओनली एपोस्ट्रोफी, क्योंकि एस तो ऑलरेडी है इसके पास। और लास्ट में एस नहीं होता तो हमें दोनों ही लिखना है, एपोस्ट्रोफी एस भी, एपोस्ट्रोफी और एस भी, दोनों। अब एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे अपने बोलें कि देयर आर मैनी बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल्स इन जयपुर, नो एयर, ए पार्ट ये हो गया इसका, बी ये हो गया, सी और ये हो गया डी। अब देखिए यहां पर बॉयज, बॉयज नाउन प्लूरल था, यानी कि ऐसी नाउन जिसके लास्ट में एस होता है, तो रिलेशन अब बॉय का हॉस्टल से रिलेशन बताने के लिए हमें खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करना था, एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं आना चाहिए था, जबकि यहां पर ये लिखा गया है, इसलिए इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि जिस नाउन के लास्ट में एस होता है वहां पर हमें खाली एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना। और मान लो एस नहीं है तो वहां पर हमें एपोस्ट्रोफी और एस दोनों का यूज करना है। तो यहां पर लिखते हैं अपने ये क्वेश्चन कि अपने ऐसे लिखें देयर आर मैनी चिल्ड्रंस पार्क इन दिल्ली, नो एरर, एन ई मतलब नो एरर। तो ये ए पार्ट, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो चिल्ड्रन प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो प्लूरल तो है लेकिन लास्ट में एस नहीं आ रहा। जब
कोई नाउन प्लूरल हो, लास्ट में एस नहीं होता है, तो हमें एपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग करना है। तो यहां पर दोनों का ही प्रयोग हो रहा है, एपोस्ट्रोफी भी एस भी, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि देयर आर मैनी मेन्स पार्लर इन जयपुर। देयर आर मैनी मेन्स पार्लर इन जयपुर, तो ये ए पार्ट, ये बी, ये सी और ये डी। अब एमएन मैन एक आदमी होता है और एमएन मैन बहुत सारे आदमी, तो यहां पर एमएन मैन है, प्लूरल है, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, तो अपने एपोस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग करेंगे, इसलिए सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। तो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ ये दोनों भी रिलेशन बताने का काम करते हैं। सिंगुलर नाउन होगी तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, जॉन्स हाउस, हम ऑफ से भी बता सकते हैं द हाउस ऑफ जॉन। और अगर नाउन प्लूरल होगी और उसके लास्ट में एस होता है तो अपने को एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली एपोस्ट्रोफी से बताएंगे रिलेशन, और एस नहीं है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। दोस्तों ये भी पजेसिव केस से रिलेटेड रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है। अभी इसके कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड, आइए उनको देखते हैं वो क्या है। पजेसिव केस, अभी भी हम पजेसिव केस की ही बात करेंगे क्योंकि केस में सबसे इंपॉर्टेंट पजेसिव केस ही है। पजेसिव केस की अपने बात करें तो इसमें दो चीजें और आती हैं, कौन सी, एक होता है दैट ऑफ, एक होता है दैट ऑफ और एक होता है दोज ऑफ, दैट ऑफ और दोज ऑफ। दैट ऑफ का यूज किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर का तुलना करने के लिए, यानी कि कंपेरिजन करने के लिए, सिंगुलर की तुलना करने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग होता है, और प्लूरल की तुलना करने के लिए, प्लूरल की तुलना करने के लिए दोज ऑफ का यूज होता है। दो सिंगुलर की तुलना करनी है तो दैट ऑफ का यूज, दो प्लूरल की तुलना करनी है तो दोज ऑफ का यूज होता है। जैसे एग्जांपल है द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली, नो एरर। ए पार्ट ये हो गया इसका बी, ये हो गया इसका सी और ये हो गया डी। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। देखिए यहां पर हम क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, क्लाइमेट का, जयपुर और दिल्ली के क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है क्लाइमेट, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर का कंपैरिजन करने के लिए हमें दैट ऑफ का यूज करना है, तो जबकि यहां पर लिखा हुआ है दोज ऑफ, तो यहां पर एरर है इस पार्ट में कि यहां दोज ऑफ नहीं दैट ऑफ होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी क्लासेस आर मोर लेबोरियस देन दैट ऑफ DEF classes, no error। ये इस sentence का A part, ये B part, ये C और ये D। अब देखो यहां पर students का comparison हो रहा है,
एबीसी क्लासेस का और डीईएफ क्लासेस के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो प्लूरल का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर दैट ऑफ का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा दोज ऑफ का। तो जब दो प्लूरल के बीच में कंपैरिजन होता है तो दोज ऑफ, दो सिंगुलर के बीच में कंपैरिजन होता है तो दैट ऑफ का यूज होता है। इसमें आगे बढ़ें तो पजेसिव केस के कुछ और रूल भी हैं जहां से एरर के क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं कौन से रूल है। अब देखिए पजेसिव केस की ही और बात करनी है हमें। पजेसिव केस इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पजेसिव केस। पजेसिव केस में और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है। कुछ रूल्स हैं ये, जैसे कि पहला रूल ए, ये कह रहा है अगर कोई सेंटेंस में कोई नाउन है और फिर एंड है और फिर दूसरी नाउन है और यहां पर फिर एक तीसरी नाउन है, ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन और ये थर्ड नाउन, अगर इस तीसरी नाउन का रिलेशन इस नाउन से और इस नाउन से, इन दोनों नाउन से अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन है, तीसरी नाउन का दोनों नाउन से अलग अलग रिलेशन है, सेम रिलेशन नहीं है, तो अपने को इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों से अलग अलग है तो अपने को दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सेंटेंस है आई एग्जाम्पल है आई डोंट नो, आई डोंट नो जॉन्स एंड रोहन्स वाइफ, आई डोंट नो जॉन्स एंड रोहन्स वाइफ। तो ये सेंटेंस का ए पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सेंटेंस का सी पार्ट और ये नो एरर। अब देखिए एक नाउन है जॉन, एक नाउन है रॉन, एक नाउन है वाइफ। अब इस तीसरी नाउन का रिलेशन क्या इन दोनों से सेम है या अलग अलग है, तो वाइफ रॉन की अलग होगी और जॉन की अलग होगी, तो इस तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों से अलग अलग है, इसलिए हमें अगर तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों नाउन्स के साथ सेम नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है, जॉन के साथ भी आएगा, रोन के साथ भी आएगा, इसलिए ऐसा ही हो रहा है इस सेंटेंस में, तो नो एरर है। जब यहां से एरर का क्वेश्चन आता है तो किसी एक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगी होगी, दूसरे के साथ नहीं होगी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे जॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, रोन के साथ नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, या रोन के साथ है, जॉन के साथ नहीं है, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन और देखते हैं अपने कि आई वेंट जॉन्स एंड मैरी एम ए डबल आर वाई, आई वेंट जॉन एंड मैरीज हाउस बट आई डिडंट फाइंड द कपल एट होम। ये सेंटेंस है, एक सेकेंड, यहां पर हम लिखते हैं मैरी, आई वेंट जॉन्स एंड मैरी हाउस बट आई डिडंट फाइंड द कपल एट होम।
एपोस्ट्रोफी एस। अब ये इस सेंटेंस का ए पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट, और ये सेंटेंस का सी पार्ट, ये सेंटेंस का डी पार्ट, और ये सेंटेंस का ई पार्ट। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखो दो नाउन है, दो नाउन कौन सी, एक तो जॉन, एक मैरी, और एक तीसरी नाउन है हाउस। अब ऊपर का हमारा रूल था कि जब दो नाउन हो और उसके बाद तीसरी नाउन हो, इस तीसरी नाउन का रिलेशन इन दोनों नाउन से अलग अलग होता है तो फिर हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन हमारा एक दूसरा रूल ये है, बी रूल, कि अगर यहां पर कोई नाउन है और फिर एंड है और फिर एक तीसरी नाउन है और फिर यहां पर एक नाउन और है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर इस तीसरी नाउन का रिलेशन इस नाउन से और इस नाउन से सेम है, सेम रिलेशन, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें बाद वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, दोनों के साथ नहीं। अगर सेम रिलेशन है तो बाद वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, और अलग अलग रिलेशन है तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस। अब यहां पर जॉन, मैरी और हाउस तीसरा। अब आप इस सेंटेंस को पढ़कर बताएं, क्या हाउस का रिलेशन सिर्फ मैरी से है या सिर्फ जॉन से है या दोनों से है? तो इस हाउस का रिलेशन दोनों से है। कैसे? क्योंकि ये दोनों यहां पर लिखा कपल, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हैं। आई वेंट जॉन एंड मैरीज हाउस बट आई डिडेंट फाइंड द कपल एट होम, तो इसका मतलब कपल हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हाउस दोनों का ही है। तो इस तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों से सेम है, और जब सेम रिलेशन होता है तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ बाद वाली नाउन के साथ आती है, एपोस्ट्रोफी एस फर्स्ट नाउन के साथ नहीं होती है। दोनों के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस कब आता है? जब दोनों का रिलेशन अलग अलग हो, इस तीसरी नाउन का रिलेशन इससे अलग हो और इससे अलग होता तो फिर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस। जबकि हाउस दोनों का है, दोनों का सेम है, क्योंकि यहां से हमें पता चला कि ये कपल है, इसलिए ये हमारा दूसरा रूल है कि अगर तीसरी नाउन का रिलेशन दोनों से सेम है तो फिर हमें बाद वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है रूल नंबर सेकंड पे है, ये वाला रूल जो है फर्स्ट पे है। एक तीसरा रूल भी है, तीसरा रूल रूल नंबर थर्ड ये है कि यहां पर कोई नाउन है और फिर ये दूसरी नाउन है और बीच में कोई कंजक्शन नहीं है तो आपको फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये हमारा थर्ड रूल है। जैसे एग्जांपल है द करियर ऑफ जॉन्स ब्रदर्स डिपेंड्स ऑन एयरफोर्स एग्जाम, नो एरर। तो ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी और ये इसका डी। अब देखो जॉन और ब्रदर ये दो नाउन है, बीच में कोई कंजक्शन नहीं है तो अपने किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, फर्स्ट नाउन के साथ, तो इस ब्रदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, आंसर हो जाएगा बी। और ये जो सेंटेंस था इसके भी बी पार्ट में एरर थी, यहां पर भी हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों पजेसिव केस में लगभग चीजें हो गई, लेकिन एक रूल और बाकी है, उस रूल की और बात करते हैं, उसके साथ ही ये केस ऑफ नाउन से रिलेटेड सारी बातें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो पजेसिव केस से संबंधित एक बात और ये है, एक रूल है, रूल ये है कि एवरीवन या समवन या नो वन या एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नोबडी, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, लेकिन इनके साथ यदि एल्स हो, एल्स, तब एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के साथ होगा, एल्स के
सात होगा, ठीक है। और इसके अलावा एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग, यानी कि जहां जहां थिंग आ रहा है उसके साथ ऑफ का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एवरीवंस ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, एवरीवंस ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर। तो ये इसका ए पार्ट, ये बी और ये सी और ये डी। तो एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। अगर अपने ऐसे लिखें एवरीथिंग्स लाइफ इज शॉर्ट, एवरीथिंग्स लाइफ इज शॉर्ट, और ये है इसका ए पार्ट, ये है बी पार्ट और ये है सी, ये है नो एरर। तो दोस्तों ए पार्ट में एरर है क्योंकि एवरीथिंग थिंग के साथ ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं। ये सेंटेंस सही लिखना है तो ये ऐसे होगा, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट। तो ऑफ के साथ इसका रिलेशन बता सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि यदि एल्स हो तब एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। जैसे क्वेश्चन ये है, नोबडीज एल्स एडवाइस, मान लो ये सेंटेंस है तो यहां पर नोबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, एल्स के साथ। तो यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। और हमारा जो टॉपिक था केस ऑफ नाउन, ये टॉपिक क्लियर होता है। केस ऑफ नाउन नाउन में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पर केस ऑफ नाउन से संबंधित सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।